हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के ओबेरॉय ग्रुप के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में सरकार के कब्जे को गलत ठहराते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए होटल पर अपना कब्जा कर एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया था, लेकिन मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कब्जे पर स्टे लगाते हुए होटल को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने होटल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से कोर्ट के ध्यान में मामला लाया गया। इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार ने गलत तरीके से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में कब्जा किया, जबकि कोर्ट के ऐसे कोई भी आदेश नहीं थे। तो वहीं ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने क्या बताया है। कोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं था जिसके तहत सरकार पोजेशन ले सकती थी। कोर्ट जब वारंट ऑफ पोजेशन इशू करता है एग्जीक्यूशन में, उसके बेसिस पे कोर्ट का बेलिफ जाता है और वो पोजेशन दिलाता है। कोई भी लिटिगेंट, सरकार हो या ऑर्डिनरी आदमी हो, अपने आप जाके पोजेशन नहीं ले सकता, और ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट ने नहीं पास किया था। देयरफॉर ये कहना कि जी उन्होंने सुबह पोजेशन लिया था, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोशिश करी थी, हमारे जो जितने एम्प्लॉयज़ थे हमारे क्लाइंट के, उन्होंने उनको कोई पोजेशन ना दिया, ना कोई कागज साइन किया। वहीं सरकार में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने होटल पर कब्जा किया है। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की प्रॉपर्टी थी। पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था, और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो है उस केस को जीता, और कल जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल, होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार टेक ओवर करने की जो है हाई कोर्ट ने अनुमति दी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वाइल्ड फ्लावर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्जे में लिया है, और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा, जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं या आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। गौरतलब है कि लगभग 23 साल से होटल को लेकर सरकार से विवाद चल रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से मामले को लेकर सुनवाई के लिए गुहार लगाई गई थी, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 21 नवंबर को तय की है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को तब तक कंपनी के आवेदन का जवाब दायर करने के आदेश भी दिए हैं। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमेंट।